हेलो मैडम, हमारी तरफ भी मुंह कर लो, कुछ हमसे भी बात कर लो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कितने डीठ इंसान हो, मैं कब से तुझे इग्नोर कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैडम, आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो आप में इंटरेस्ट है ना। और वैसे भी आप जैसी प्यारी लड़की को नहीं छेड़ेंगे तो और किसको छेड़ेंगे। हद है वैसे, एक तो ऊपर से तुम दिन दिहाड़े लड़की को छेड़ रहे हो, ऊपर से बदमाशी भी दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। मैडम, घर तो माँ भी है और बहन भी है, बस एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड की कमी है। अगर तुम बन जाओ तो वो कमी दूर हो जाएगी। भाई बात सुने, इस लड़के को ना मेरी समझ नहीं आ रही, कब से मुझे छेड़ी जा रहा है और ऊपर से धमकियां भी दे रहा है। ओए भाई, किसे बोला है? और ये तुम्हें लड़का छेड़ा तो मैं क्या करूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़का कब से मुझे तंग कर रहा है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा आप ऊपर से कह रही हो कि मैं क्या करूं। हाँ तो मैंने क्या गलत बोल दिया है, नहीं करनी मुझे तुम्हारी मदद, जाओ यहाँ से निकलो। मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है, सच में सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। मैडम, तुम उसे खुद सिखाओ कि एक लड़की बाप की जगीर नहीं होती। और मैं जाते जाते तुम्हें सिर्फ एक बात बोलूँगा कि हर लड़का जो है एक जैसा नहीं होता। तुम्हारा काम है कि तुम इसे खुद ही सीधा करो अब, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियाँ छेड़ने का, आज मैं तुम्हें बताऊँगी कि लड़कियाँ कैसे छेड़ी जाती हैं, ऐंदा किसी के बारे में सोचोगी भी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं तुम्हें। इधर दो चाबी, और कहाँ भाग रहे हो, कम से कम सबक तो सीख के जाओ ना, कल को किसी और की बहन बेटी के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं करोगे। क्या समझते हो खुद को कि तुम लोगों की हम जैसी लड़कियां जागीर हैं, क्या समझ रखा है, तुम लोगों की वजह से हम लोगों का जीना हराम किया हुआ है। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अब तुम्हें समझ आई है, मैं तुझे एक घंटे से इग्नोर कर रही हूँ, तब तुझे समझ नहीं आ रहा था, इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, तुम हो ही बगैर। चल निकल अब यहाँ से, दफा हो जाओ। इस स्टोरी के एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी लड़की कोई लड़का रास्ते में छेड़ता है या उसके साथ कोई भी गलत बिहेवियर करता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। अगर आज आप उसको इग्नोर करोगी, कल को उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा। तो खुदा रा अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ खुद मने और हिम्मत करें, उसको ऐसा सबक सिखाएं कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। थैंक यू।